करो 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 जोर से एक बार में फूंक दियो बस जोर से। पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं, जिस लेवल पे हम लोग इसको खरीद के लाए हैं ना क्लास के अंदर, मतलब लोग ये तेल का पीपे में डाल के तेल डाल के देखते होंगे भैया इसमें छेद है कि नहीं है, लेकिन हमारे आर्यन भाई साहब ने इसके अंदर बोल डाली और ऊपर फूंकता गया और चार दुकानें बदल दी इस आदमी ने इसको खरीदने के लिए। लेकिन स्टिल आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को जो ऊपर नॉलेज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर ये कीप के अंदर मैं इस बॉल को जो है वो प्लेस कर रहा हूं और इस बॉल को मैं ये छोटा सा पाइप थैंक्स फॉर दैट ठीक है, इसको अगर मैं इसके अंदर डाल के नीचे से ब्लो कर रहा हूं फूंक मार रहा हूं इसके ऊपर, तो ये बॉल जो है वो बाहर की साइड पे आके नहीं गिरने वाली या गिरने वाली है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले मैं अपना पूरा जोर जो है वो इसके ऊपर लगा देता हूं ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि आइडियली देखो एक कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए जब आप इस चीज को देखोगे ना तो इसको ब्लो करेंगे तो बट ऑब्वियसली ये बॉल जो है वो बाहर की साइड पे आके गिरनी चाहिए। चलो इसी को कोशिश कर रहा हूं मैं, हिल भी नहीं रही है भाई वहां से ठीक है, थोड़ी सी हवा आ रही है लेकिन इतना प्रेशर से मैं इसको पंप कर रहा हूं एयर को, लेकिन स्टिल ये एयर इसके अंदर से जो है वो ब्लो नहीं कर रही। एक बार आप आके ट्राई करो, शायद मेरे फेफड़ों में ही कुछ कमी है सुट्टा फूक फूक के हो रही ठीक है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको ब्लो करना पर इसको ना पकड़ना ऐसे, बड़ा गंदी हो जाएगी वो, आजकल वैसी इन्फेक्शन फैली हुई है, ऐसे पकड़ लेना और फिर जो है वो ब्लो करना, करो कोशिश पूरा जोर से। फेफड़े ठीक है भाई मेरे, और कोई और कौन आएगा, आ जा तू आ जा जल्दी आ जाओ, आप ट्राई करो इसको, फूंक मारो इसके ऊपर जोर से एक बार में फूंक दियो बस जोर से। नहीं हो रहा भाई, कुछ ना हो रहा तेरे से, और कौन आ रहा, आ जा जसकरण जल्दी आ जा, कॉन्शियस नहीं होना बेटा। चलो करो ट्राई, एक मिनट अब करो ट्राई, एक मिनट ए हाँ अब करो ट्राई, करो करो करो। लेकिन ये पहली आवाज थी, इसमें सीटी 7 बजी है, पता नहीं क्या कर रहा है इसने, कौन से पेपड़ों में इसने पीपनी लगा रखी है वो हमें नहीं पता ठीक है। और कौन ट्राई कर रहा है भाई इस पे, आ जाओ जिसको ट्राई करना है आ जाओ, कोई तो होगा यार वो सुपरमैन टाइप जो इसको भाई बाहर निकाल के जो फेंकेगा, अभी हमारी प्रांजल जी आई है ठीक है, फूंक दे बेटा। नहीं हो रहा ठीक है, आ जा तू भी आ जा, थोड़ा नीचे लंबा है ना तू, थोड़ा नीचे हो जाए, आपका नहीं हो रहा है ना। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड करना ध्यान से। इसी को हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो बोल देते हैं, फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम सिनेरियो जो है ये रखता है। देखो ये हम लोगों के पास कीप थी जिसके अंदर जो है वो ऑयल हम लोग यूजुअली यूज करते हैं ठीक है, अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना इसको। मैंने यहां पे जो है वो क्या प्लेस कर दिया, बॉल जो है वो प्लेस कर दी, पिंग पोंग बॉल इसको हम लोग यूजुअली बोल देते हैं। जैसे ही मैं नीचे से एयर को ब्लो कर रहा हूं, मतलब यहां से मैं एयर को पंप कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एयर यहां से निकल रही है और इस साइड से जाती हुई ऐसे, और यहां से एयर निकल रही है और इन साइड से जाती हुई इस तरीके से जो है वो फ्लो करती है ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे पास रहता है, वो ये है कि अगर किसी फ्लूड की किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी फ्लूड की, अब एयर इज अ फ्लूड, जब हम नीचे से ब्लो कर रहे हैं तो एयर हम लोगों के पास क्या है, फ्लूड है। अब इस फ्लूड की जो वेलोसिटी है अराउंड दिस पर्टिकुलर बॉल हम लोगों के पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो प्रेशर की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। बर्नौलीज थ्योरम के अंदर इनका एक इक्वेशन है जिसके अंदर ये वैल्यूज काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो हम लोगों के पास होती है, मतलब अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। अब जैसे ही प्रेशर इसके अराउंड, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर इस बॉल के अराउंड जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इतना समझ में आया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि देखो ये कीप जब मैंने होल्ड कर रखी थी तो मैंने इसको ब्लो किया, तो इस
रीजन में, कौन से रीजन में, यहां पे कीप वाले रीजन में प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है जो कि प्रेशर लगा रहा है। इतना अंडरस्टैंड कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो मैंने ब्लो करके प्रेशर को रिड्यूस किया अराउंड दिस बॉल, लेकिन मैं बाहर वाले प्रेशर को रिड्यूस नहीं कर पा रहा। देखो इस नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो इस रूम का प्रेशर है वही इस बॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है। एवरीबॉडी इज सिटिंग हियर इज फेसिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, लेकिन जैसे ही मैं एयर ब्लॉक कर रहा हूं तो इसके अराउंड प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, ये कम हो चुका है, तो क्या करेगा एटमॉस्फेयर, इसको ऊपर से नीचे की साइड पे क्या करेगा, दबाएगा। जिसकी वजह से जितना मर्जी कोई हाथी भूख ले चाहे आके इसको, तो भी ये बॉल जो है वो इसके बाहर नहीं गिरेगी, क्योंकि जितना तेज आप इस पे ब्लो करोगे उतना ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर जो है वो एग्जर्ट होगा, उतनी बॉल जो है वो अंदर की साइड पे घुसेगी। यही हम लोगों के पास जो है वो बर्नौलीज का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मेन एक पॉइंट जो आपको अंडरस्टैंड करना है, वेलोसिटी सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों के पास इंक्रीज करती है तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा है, जिससे बॉल जो है वो अंदर की साइड पे पुश हो जाएगी और बाहर की तरफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, बर्नौलीज प्रिंसिपल का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है।